नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का बीएससी ट्रिकी क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट लेकर आ चुके हैं आप सभी लोगों के लिए। 45,000 से अधिक पदों पर यहां पर बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। तो हम लोग जानेंगे इसके लिए कौन कौन से अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे, किस विभाग में दोस्तों ये बहुत बड़ी भर्ती देखने को मिल रही है, कितने दोस्तों पद हैं, कितने तरीके की वैकेंसी है, ये वैकेंसी आप लोगों की कहाँ देखने को मिल रही है। तो शिक्षा जगत से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट को जानने के लिए आज ही आप लोग अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली सभी अपडेट मिल सके और आप लोग हमेशा जो है अवगत रहें हमारी हर एक जानकारी से। तो सभी लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी इस अपडेट को अपने सभी मित्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने अपडेट को। तो आप यहां पर देख सकते हो बहुत बड़ी अपडेट आप सभी लोगों के सामने है। आप देख पा रहे होंगे यहां पर स्वास्थ्य विभाग में 4 महीने में होगी 45,000 से अधिक पदों पर भर्ती। डॉक्टर, नर्स, एएनएम, टेक्नीशियन समेत पैरामेडिकल स्टाफ, ये इन सब की बहाली एक साथ आ रही है, जैसा कि आप जानते ही होंगे। तो आप देख सकते हो किन किन पदों पर आपकी भर्ती होनी है। पैरामेडिकल स्टाफ की अगर हम बात करेंगे 1,339 पद हैं, सहायक प्राध्यापक के 3523 पद हैं, आपके विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 396 पद हैं, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 1290 पद हैं, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी संविदा भर्ती ये वाली जो है, और 64 इसमें है दंत चिकित्सक के हैं। फिर बात करते हैं पैरा मेडिकल स्टाफ में 362 है सिस्टर ट्यूबर, 6298 पद है नर्स के लिए। देखो फायदे की बात है, 15,000 से ज्यादा पद है, 15,000 से ज्यादा पद हैं एएनएम के, एएनएम के पद हैं आपके, और 3637 हैं फार्मासिस्ट, 803 एक्सरे टेक्नीशियन वाले हैं, 1326 पद हैं ओटी असिस्टेंट के, 163 हैं ईसीजी टेक्नीशियन, ये बहुत फायदे की जॉब है आपके लिए, और 3080 पद हैं लैब टेक्नीशियन, 1562 ड्रेसर और 4500 पद हैं सीएचओ के, ठीक है ना। चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर स्वास्थ्य विभाग में इन पदों पर 45,000 टोटल नियुक्तियां होंगी। ये पद बहुत लंबे समय से खाली थे, लेकिन अब जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, इन्होंने इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया 4 महीने के अंदर पूरी कराने की बात कही। समझ रहे, 4 महीने में मामला पानी फिट। नियुक्ति के संबंध में मंत्री ने गुरुवार को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें विभिन्न पदों को भरा जाना है और ये स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आते हैं। इसके अलावा दवा, जांच आदि की व्यवस्था दुरुस्त रखने का भी स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिया है। मंत्री जी का कहना है कि स्वास्थ्य के प्रति राज्य की जनता को जागरूक और स्वास्थ्य रखना सरकार की प्राथमिकता है। गुरुवार को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, सचिव संजीव कुमार, राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक सोहर्ष भगत और आपके BMSICL के प्रबंध निदेशक धर्मेंद्र सिंह, विशेष सचिव, ये सारे महान लोग हैं यहाँ पर जिनके सामने ये शिरकत की गई है। और बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं जो कि आपके लिए बहुत फायदे की बात है। यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि लंबे समय से अटकी हैं नियुक्तियां, अब धड़ल्ले से बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी इस बार पूरे के पूरे भारत में, ठीक है ना। भारत लगभग विभाग में नियुक्तियों का मामला लंबे समय से अटका है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विभाग में करीब 1,60,000 पदों पर नियुक्ति की बात कहा करते थे, लेकिन 17 महीने की महागठबंधन सरकार में विभाग में नियुक्तियां कतिपय कारणों से नहीं की जा सकी, क्योंकि गठबंधन था, महागठबंधन इसलिए नहीं हो सका। लेकिन अब राज्य सरकार का आर्थिक सर्वे 2023-24 कहता है कि राज्य में स्थायी डॉक्टर के 12,895 पद, इसके विरुद्ध 4,174 डॉक्टर ही कार्यरत है, संविदा वाले डॉक्टर के भी लगभग आधे पद खाली हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक संविदा वाले डॉक्टर के करीब करीब 4,751 पद हैं, जबकि कार्यरत मात्र 2,720 लोग ही काम कर रहे हैं। वहीं ग्रेड ए नर्स और एएनएम की तो अस्पतालों में बहुत भारी कमी है, तो ग्रेड ए नर्स के करीब 17,460 पद ये हो गए, जबकि कार्यरत मात्र केवल केवल 9,650 लोग ही काम कर रहे हैं। और एएनएम की तो स्थिति और भी दयनीय है दोस्तों, यहाँ पर 29,000 मतलब 30,000 लगभग लगभग पदों पर केवल 15,000 ही पद भरे हुए हैं लगभग लगभग, बाकी सब खाली पड़े हैं। क्लियर, तो ये आप सभी लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है।
तो जो भी यहाँ पर इन डिपार्टमेंट्स में अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो अपने तैयारी में लग जाइए, इसका सिलेबस देखिए, और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जुट जाइए यहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि ये वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है यहाँ पर 4 महीने के अंदर। स्वास्थ्य विभाग 4 महीने में 45,000 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति देने जा रहा है, तो बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों यहाँ पर। इसी तरीके से पल पल की अपडेट को जानने के लिए आज ही अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जैसे मुझे कोई भी अवगत जानकारी मुझे मिलेगी मैं आपको अवगत कराऊंगा। बने रहिए और देखते रहिए आप लोग आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस को। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।